क्वेश्चन टैंक्स लेसन टू क्लास नाइन से बा। यहाँ पर करीबन सिक्स रूल्स हैं। एक एक रूल को मैं बहुत ध्यान से बताने वाला हूँ और तुम लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज दिस इज़ एन एडवांस क्लास। पहले वाला बेसिक था, ये वाला थोड़ा एडवांस्ड है, इसके लिए फोकस करना होगा। समझते वक्त इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी तो उसको रिवॉच करना होगा, रिवॉच करके समझना होगा। एंड इवन इफ़ आफ्टर रीवॉचिंग प्रॉब्लम रहे तो मुझे कॉल करना है, या फिर गूगल डुओ में आके डायरेक्ट वन ऑन वन बात कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर गूगल डुओ में हैं। रूल वन में जैसे स्टेटमेंट्स विथ नन, नो, नो वन, नो बडी, नथिंग, हार्डली, हार्डली एवर, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इसका मतलब सेंटेंस अगर इन सब से शुरू होता है तो, नो वन से शुरू होता है तो, नन से शुरू होता है तो, नोबडी से शुरू होता है तो, वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, स्टिल द सेंटेंस इज नेगेटिव। पहले वाले लेसन में मैंने बताया था रूल वन में अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये जैसे इन सब से शुरू होगा तो सेंटेंस इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो टैग तो पॉजिटिव ही होगा। जैसे नथिंग वॉज सीन, तो इसमें इट ऑलरेडी नेगेटिव है, वॉज लगा हुआ है तो वॉज इट होगा। अब ये इट कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर किसी वर्ड के साथ ing लगा हुआ है, मतलब बेसिकली नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो ये सब तीनों वर्ड नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सब चेंज होके इट होता है, और नो चेंज होके भी इट में ही परिवर्तन होता है। जैसे नो रिस्क वॉज टेकन ऑलरेडी नेगेटिव में है, वॉज इट। सेल्डम डज ही कम, तो डज ही। हार्डली डज ही रीड, फिर से डज ही। ही हार्डली एवर अटेंड्स, अटेंड्स है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एस लगा हुआ है, डज ही। आई एम श्योर यू रिमेंबर द मेकिंग ऑफ नेगेटिव्स जो मैंने समझाया था व्हेन आई डिड सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसे एक बार रिवाइज कर लेना, अदर देन दैट ये वाला समझ में नहीं आएगा इतना। तो इन सब से अगर रूल वन के मुताबिक इन सब अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है तो वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, टैग हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेट्स सी रूल टू नाउ। If the subject of the sentence is anybody, anyone, no one, nobody, none, neither, everyone, everybody, somebody, someone, अगर ये सब sentence के beginning में आता है तो वो sentence जो है वो pronoun change होके they हो जाएगा। Everybody change होके they होगा, anybody change होके they होगा, anyone change होके they होगा, no one change होके they हो जाएगा। जैसे मैंने पहले में बताया था ing लगता है, जैसे anything, something, nothing, everything में it होगा, तो इन सब में they हो जाएगा। Everybody loves him, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, नेगेटिव करेंगे तो होगा। Everybody does not love him, बट यहाँ पे टेक देख सकते हो, डोंट दे हुआ है। डोंट दे इसलिए हुआ है क्योंकि दे लगेगा, everybody चेंज होके दे होगा, और दे तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डज नहीं लगा सकते, इसीलिए डोंट दे हुआ है। Everyone liked the play, did not they। उसके बाद neither of them went there, neither जो है वह नेगेटिव है, पहले बताया मैंने, तो सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव होगा, तो हुआ डिड दे। नोबडी स्पोक बिफोर हिम, ये जो नोबडी है नेगेटिव है, तो डिड दे। समवन हैड कम, तो यहाँ पर होगा हैडन्ट दे। समबडी अपीयर्ड देयर, इसमें क्या होगा, डिडन्ट दे होगा, क्योंकि समबडी चेंज होकर दे हो जाता है, और ये पास्ट टेंस में है। एनीवन कैन डू इट, कांट दे होगा। तो इन सब में बेसिकली तुम्हें वही वाला पहले जो मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव कैसे करते हैं, क्लास 8 में भी मैंने बताया था, और अभी भी मैंने क्लास 9 के बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस में मैंने करवाया था। तो ट्राई टू रिकॉल दैट। स्टिल इफ़ यू हैव, इफ़ यू फेस प्रॉब्लम, मैंने जैसे कहा मुझे कॉन्टेक्ट करना है। रूल 3, द टैग टेक्स द यूज़ ऑफ शैल इन द सेंटेंसेस विद लेट्स। अगर कोई सेंटेंस लेट्स से शुरू होता है, लेट्स मतलब लेट अस से शुरू होता है, तो वो टैग शैल वी ही होगा, मतलब शैल लेगा वो। और वी कैसे, क्योंकि अस का अगर सब्जेक्टिव फॉर्म वी है, तो लेट अस गो देयर, ऐसे अगर सेंटेंस मिलता है तो शैल वी होगा। लेट अस रीड द पोएम, शैल वी होगा। उसके बाद रूल नंबर 4 में, इफ़ द सब्जेक्ट इज नाइदर, द प्रोनाउन इस चेंज टू दे। नाइदर नेगेटिव है और नाइदर से चेंज होकर प्रोनाउन जो नाइदर की जगह बैठेगा वो दे होगा। जैसे नाइदर ऑफ देम वेंट देयर, सिंपल पास्ट टेंस में, कैसे पता, जो वर्ब है वो टू में है, वेंट में है।
और ये नेगेटिव है तो टेक पॉजिटिव होगा, तो डिड दे हुआ। नाइदर ऑफ देम बिलीव्स, बिलीव्स है मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो डू दे हुआ है। रूल नंबर 5 में देखो, इफ़ द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव, अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो उसके साथ विल यू लगता है, जैसे कम हियर विल यू, प्लीज शट द डोर्स विल यू होगा। अभी यहाँ पर अगर हुआ, जैसे अगर इम्पेरेटिव दो तरह का होता है, एक इम्पेरेटिव होता है नॉर्मल इम्पेरेटिव, जैसे पहले वाले का नेगेटिव करो तो डोंट कम हियर होगा, और उसके बाद वाले का करो तो होगा प्लीज़ डोंट शट द डोर्स होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना है यहाँ पे, वो ये है कि अगर हम जो इम्पेरेटिव में जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसको उसमें हम विल यू भी लगा सकते हैं, विल यू करेक्ट होगा, और इसके जगह अगर हम वोंट यू लगाएंगे तो भी करेक्ट रहेगा। इसका मतलब प्लीज़ शट द डोर्स, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा दिखा दिया है, ये वाला तो नेगेटिव है, जैसे इसमें मैंने विल यू लगाया है, इसमें ये पॉजिटिव है, वोंट यू लगाने से भी सही रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, इसमें मैंने विल यू लगाया है, वोंट यू लगाने से भी सही रहेगा। बट अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव में नेगेटिव है, जैसे डोंट से शुरू होता है, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव होगा, मतलब विल यू होगा, कभी वोंट यू मत लिखना, नहीं लिखना है। एनीवेज रूल 6 देखो, समथिंग एज अ सब्जेक्ट टेक्स इट, पहले मैंने बताया समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग आईएनजी मतलब थिंग थिंग जिसके एंड में लगता है वो चेंज होके इट होता है, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग पास्ट टेंस में डिडन इट, समथिंग इज लैकिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है इसीलिए इज एन इट हुआ है। हो सकता है कुछ दिक्कतें आए इनको समझने में, क्योंकि दिस इज एन एडवांस सेक्शन, पहले उसका जो लेसन 1 है वो देख लो, फिर इस पर आओ, इफ़ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम तो मुझसे बात करनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ये पैंडेमिक कितना दिन तक चलेगा उसका पता नहीं, बट एग्ज़ाम में तो चीज़ें आ जाएंगी, तो उस हिसाब से सीरियसली लेनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना है इसके ऊपर, दिस इज़ ओवर, क्वेश्चन टैग्स आर ओवर, तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज लेसन है वो कुछ ही देर में मतलब आज के अंदर ग्रुप में भेज दूंगा मैं।